हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया था एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देर किस बात की, चले जाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमसे डिमांड किया गया था, किसी भाई ने हमसे पूछा था कि ब्रदर जी, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या एक दूसरे को पहचानेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, जरूर पहचानेंगे। एक दूसरे को हम पहचानेंगे अवश्य और जानेंगे। जैसे मत्ती की पुस्तक 8:11 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। यीशु ने अपने नबियों से बिल्कुल साफ साफ कहा था, बहुत से लोग पूर्व पश्चिम से आकर स्वर्ग में बैठेंगे। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बचाए गए एक दूसरे को स्वर्ग में जरूर पहचानेंगे। हम एक दूसरे को स्वर्ग में अवश्य पहचानेंगे और जानेंगे भी। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13:12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पौलुस कहता है, बिल्कुल साफ साफ, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीत से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ, पौलुस बताता है। यहाँ पर पहचानने का अर्थ है पूरी रीत से जानना और पहचानना और स्वीकार करना और समझना। जब हम केवल दूरबीन के माध्यम से चीजों को बड़ी बड़ी दूर से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जिन चीजों को जानना जाएगा वे साफ साफ स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने होंगी और हमारा ज्ञान जो अज्ञान है मुक्त होगा। हम जानते हैं कि हम कैसे जाने जाते हैं। सुनो, यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह प्रवेश करते हैं में हम प्रवेश करते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उसके संतान होंगे, यानी पुत्र होंगे। आप उसके स्वर्गीय संतान के अधिकारी बन जाएंगे। यीशु मसीह का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एक मात्र कारण है, यानी मात्र मार्ग है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए बचाया जाता है। एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकता। या तो पाप आपके अंदर होगा या पवित्र आत्मा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो। एक दिन आप उनसे आमने सामने मिलेंगे स्वर्ग में। मन फिराए, अगर आप पाप कर रहे हैं पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको माफ कर देंगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। और यीशु मसीह को खोजें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन पर विश्वास करें और आप अपने सभी पापों को परमेश्वर के सामने मानो। परमेश्वर आपके सभी पापों को माफ कर देंगे और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आप परमेश्वर के साथ शांति पाएंगे और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश होंगे। रोमियो की पुस्तक 6:23 पर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करोगे तो मरोगे, करोगे तो मृत्यु होगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन तुम्हारा जो परमेश्वर ने वरदान दिया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1:8-9 तक, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, यानी जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते,
सुनकर भी उनसे पलटा लेगा, परमेश्वर लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, यानी नरक में। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं और जानने के बाद भी विश्वास नहीं करते, इतने ढीठ लोग हो गए हैं और यीशु के सुसमाचार को नहीं स्वीकार किया है, तो उनका क्या हाल होगा? सुनो, वे यीशु मसीह के सामने से उसकी शक्ति से दूर होंगे और उसको परमेश्वर हमेशा के लिए नरक में डाल देगा अनंत काल तक। इतनी भयानक परमेश्वर उन सभी को सजा देगा, इतनी भयानक उन सभी को मौत देगा, एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए सावधान हो जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो मिलते हैं। जब तक आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।